बीजेपी ने टीआरएस हुकूमत की झूठ, धोखा और खुरबा परवरी का पर्दाफाश करने के लिए मनुगुड़ असेंबली हलका में पोस्टर मुहिम शुरू की है। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने मनुगुड़ के मरिकड्डा में पोस्टर्स की जारी की। उन्होंने कहा कि टीआरएस की जानिब से बीजेपी के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपोगंडा किया जा रहा, मटन दौलत और शराब के सहारे इंतखाब में कामयाबी हासिल करने की मजमूम कोशिश की जा रही। बंडी संजय ने कहा कि मनुगुड़ का नतीजा रियासत में मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेगा। उन्होंने कहा कि हल्के के अवाम से टीआरएस कायदीन के मकरू फरेब का शिकार ना होने की अपील करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव धोखेबाज शख्स हैं। उन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान वादा किया था कि तशील तेलंगाना के बाद पहला चीफ मिनिस्टर दलित होगा, मगर वो इस वादे से मुकर गए और खुद चीफ मिनिस्टर बन बैठे। बंडी संजय ने कहा कि हर दलित को 3 एकड़ अराजी देने का वादा, टैंगबॉन पर 15 फीट तवील अंबेडकर के मुजस्मे की तंसीब, हर मंडल में अंबेडकर के मुजस्मा लगाने का वादा और रियासत में यूनिवर्सिटीज में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, मखलूआ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और गैर तदरीसी अमले का तखरुर, यूनिवर्सिटीज के सुनहरे माजी की बहाली का वादा, हर बेघर को डबल बेडरूम, हर घर को साफ शफाफ पीने का पानी, तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिए हर फर्द को डबल बेडरूम फ्लैट और दीगर वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। हुकूमत की इस धोखादही को अवाम तक पोस्टर्स के जरिए बताया जाएगा। इस मौके पर एन इंदिरा रेड्डी और मनोहर रेड्डी दीगर ने शामिल थे।